एक नंबर पिक्चर थी भाई, क्या बोलूं यार। एक विलन कोटिंग वोटिंग सब गायब हो गई है जूह चौपाटी में, कुछ भी नहीं है। क्या कलाकार है यार, क्या कलाकारी दिखा रहा है। माल का कलाकार है यार, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बना रहा है। पहले हम लोग 30 रुपये, 30 रुपये में हम लोग खाते थे जब आते थे। वेलकम टू अमीन ब्लॉग्स। और दोस्तों कैसे हो, हो चुके हैं 3 और जाना है पिक्चर देखने मूवी गेटी गैलेक्सी। तो लेट हो रहा है, साइन में मैं हूँ और साइन से गेटी गैलेक्सी 3-4 किलोमीटर के आसपास है। और जितना जल्दी जाऊँगा उतना जल्दी आ पाऊँगा, मतलब पिक्चर देख पाऊँगा, नहीं तो फिर मूवी मेरी छूटना तय है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि छूट जाओ, 15 मिनट में कैसे भी पहुँचना और टिकट भी लेना है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया, वहाँ पर टिकट मिल रही है। ऑनलाइन में 60 रुपये ज़्यादा जा रहा है, 30 रुपये पर पर्सन का एक्स्ट्रा जा रहा है, कौन सी फ़ी ले रहे पता नहीं। और अगर डायरेक्ट जाऊंगा तो 60 रुपये मेरे बच जाएंगे, वहाँ तो जाना ही है तो डायरेक्ट ही ले लेता हूँ। चलो मिलते हैं आगे। पहले मम्मी के घर पे जाऊँगा, हेलमेट लूँगा, उसके बाद निकलूँगा, क्योंकि डबल हेलमेट कंपलसरी हो चुका है मुंबई में। तो जल्दी जल्दी भागने का, सेकेंड हेलमेट लेने का, चलाने वाला तो ले गई, मैं बैठने वाला हूँ तो मैं ज़रूर। हेलमेट हो गया डन, ये ले लिया है, जैसा भी काम चला हुआ है इसी से काम चलाएँगे और निकलेंगे। ये क्या गाड़ी है यार, एक नंबर 4x4 आइसुजू। ये देखो खड़ा है मेरे इंतजार में, जल्दी जल्दी आओ भैया। ये देखो ढूंढ रहा है मुझे, हाँ लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ, शमशेदा लगी है जेमिनी में, गॉसिप में ये मराठी पिक्चर है, और ये वीआर लगी है गैलेक्सी में, और विलन लगी है एक विलन गेटी में। एक नंबर पिक्चर थी भाई, क्या बोलूँ यार, एक विलन, दिल खुश हो गया। अभी अभी छूटा हूँ, बहुत खुशी खुशी बाहर निकला हूँ पिक्चर देख के। बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छी पिक्चर देखने मिल रही है बॉलीवुड की, नहीं तो साउथ की ज़्यादातर फिल्में अच्छी आ रही है और बॉलीवुड की बहुत कम। प्लान में थोड़ा बदलाव हो गया है, हम जा रहे हैं अभी जूह चौपाटी, थोड़ा जाएंगे खोला वोला खाएंगे, फिल्म देख के तो मस्त में हो गया है और मज़ा भी बहुत आया है। अभी देखते हैं वहाँ पर कितना मज़ा आता है जूह चौपाटी में। हम जूह चौपाटी, मस्त मौसम है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। ऐसे मौसम में फैमिली को लेके ला लें जैसा है, क्योंकि ठंडा मौसम है, धूप भी नहीं है और शाम के 6:30 भी हो रहे, तो समझ सकते हो कितना अच्छा और कितना प्यारा मौसम है। और सामने का क्लाइमेट तो एक नंबर है, दिखाता हूँ अच्छे से, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो समुंदर के अंदर जाना तो बनता है, चलो अंदर चलते हैं और नज़ारे का मजे लेते हैं। समुंदर में जा रहे हैं, चप्पल खराब हो जाए चलेगा, लेकिन जाएंगे अंदर जरूर, है ना। बोटिंग वोटिंग सब गायब हो गई है जूह चौपाटी में, कुछ भी नहीं है एकदम, बोले तो पानी नहीं है ना, इसलिए बोटिंग नहीं हो रही है एक्चुअली। क्या है जेट्स की, क्या बोलते हैं, जेट्स की बोलते हैं ना उसको शायद, हाँ वो होती है यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद लग रही है क्योंकि पूरा पानी उतरा हुआ है, पूरा ज़रा भी पानी नहीं है, पीछे का समुंदर। और हम लोग देखो चल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं समुंदर के। मुझे तो यार 4-5 साल हो गया रहेगा, 4-5 साल हो गया बताओ, मुंबई में रहता हूँ और 4-5 साल हो गया है जूह चौपाटी नहीं आया, और आज आके कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम पे, वो भी ठंडा मौसम, गर्मी नहीं है पहली बात तो, कितना अच्छा है ना। किसी की ये कहावत है, वो जो आ रहा है वो भाई आ रहा है गुस्से में, और जो ये जा रही है ये बहन जा रही है अपने भाई को लेकर वापस, मनाते हुए कि चल भाई गुस्सा ना कर। मनुष्य ने बहुत तकलीफ दिया है इंसानों, क्यों बिगाड़ते यार समुंदर। शायद मैंने अपने घर से सुनी है कि भाई आता है लहर लेकर गुस्से में तबाही करने, और बहन जो उसके आगे नीचे से आती है पहले ही उसे रोकने पहुंच जाती है, फिर उसे खींच के लेके जाती है, तब भाई स्लो स्लो होता है, फिर वो रिटर्न जाता है अपनी बहन के साथ। ये कहावत है, अब बताना किसको समझ में आएगा वो बताना, बाकी
मैं क्या बताऊँ, मैंने तो सुनी है बचपन में और अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। भाई टहलते टहलते हम लोग आ गए हैं एक आर्टिस्ट के पास। क्या बना रहा है वो पता नहीं, देखते हैं क्या बन रहा है। कमाल का आर्टिस्ट है यार, शुरुआती की है समझ लो, लगभग अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है। अभी आँखों पे होगा कुछ, माल का कलाकार है यार, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बना रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा बनाने। और इधर सूरज बाबा गायब हो गए और हमको भी जाना है अभी बाहर, फटाफट निकलना है क्योंकि 7:15 हो रहे हैं। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, एंजॉय हो रहा है, बहुत अच्छे से सुकून से इंजॉय कर लीजिए। हम भी बहुत किए टाइम पास, घूमे फिरे यहाँ और गए, सुकून मिलता है अच्छी जगहों पे जहाँ शांत हो। यहाँ पे फिलहाल शांत है, संडे को छोड़ के कभी भी आओ तो शांति मिलेगी, बाकी संडे को तो फुल क्राउड रहता है और पूछो ही नहीं। ओला मैं क्या बोलते यार, भूल गया मैं ऑर्डर दिया और मैं भूल गया, काला गड्ढा ले रहा है मैं रोज रहे हो, सॉरी रोज अभी याद आया। कभी कभी मेरी याददाश्त चली जाती है, मैं गोलमाल पिक्चर नहीं यार, गोलमाल पिक्चर में था ना जॉनी लीवर, गोलमाल पिक्चर का भूल जाता हूँ। ट्रोन के बाद से इसका भाव बहुत बढ़ गया है, मतलब 10 रुपये बढ़ गया है, 50 रुपये था अभी 60 रुपये हो गया है इसका। पहले हम लोग 30 रुपये था, 30 रुपये में हम लोग खाते थे जब आते थे, अभी डबल हो गया, 35 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर डबल हुआ, 50 हुआ, 50 से लॉकडाउन के बाद हम लोग आ रहे तो मतलब 60 रुपये हो चुका है। इंसान की कीमत से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों की हो चुकी है। गोला खा के ख़त्म हो गया है, अब निकल रहे हैं घर के लिए और अभी आपको सीधा मिलेंगे घर पे। मतलब यार अभी क्या गाड़ी से ट्रैवलिंग करते हुए जाने का है, बाइक पे पीछे बैठने का, डबल हेलमेट पहनने का है, क्या है बात करो। चलो निकलता हूँ सीधा घर पे मिलता, बहुत ट्रांजेक्शन हो गया अभी, अभी सीधा घर पे। गाइस एक विलन मूवी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताना, और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो शेयर कर देना। आज के ब्लॉग के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।